हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी किचन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अंकुरित मटकी की सब्ज़ी बनाएंगे। तो आप जानते होंगे कि इस तरह की मटकी जो हमें अंकुरित भी मिलती है और जो हमें कच्ची भी मिलती है, लेकिन इसको रात भर भिगोने के बाद ये इस तरह से हो जाती है। इसके साथ मैंने लिए है आलू। तो आलू को मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा चॉप किया है और यहाँ पर मैंने लिए है थोड़े से कड़ी पत्ते, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं। इसमें मैंने तेज पत्ता लिया है, 2 से 3 मैंने लिए है काली मिर्च और 2 लौंग ली है, 1 इलायची ली है इस तरह से। और यहाँ पर मैंने लिया है हरा धनिया और मैंने ली है टमाटर की प्योरी। अब इसमें हम थोड़े से सूखे मसाले भी यूज़ करेंगे, तो फ्रेंड्स वो आगे देखेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं शुरू। और फ्रेंड्स, एक बात मैं भूल गई कि हम इसमें कटे हुए प्याज भी डालने वाले हैं, तो इन्हें मैं यहाँ पर रखना भूल गई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हम बारीक कटा हुआ प्याज भी लेंगे, तो यहाँ पर मैंने 2 बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, गैस पे हमने चढ़ा दी है कढ़ाई और कढ़ाई में मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है, चम्मच जितनी राई। राई को थोड़ा सा फूटने देंगे। तो आप देख सकते हैं राई फूट रही है, तो इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जितना जीरा। जीरे को थोड़ा सा सुनहरा होने देंगे। इसके बाद हम इसमें डाल लेंगे खड़े मसाले। करी पत्ते, अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को अच्छे से भुनने के बाद इसमें डाल लेंगे प्याज। प्याज को भी सुनहरा कलर आने तक अच्छे से भुनेंगे। अब फ्रेंड्स, प्याज को अच्छे से भूनने के बाद इसमें डाल देंगे टमाटर की प्योरी और अब इसमें डाल देंगे कुछ सूखे मसाले। तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 चम्मच जितना धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच जितना मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। आप कम ज़्यादा खाना तीखा पसंद करते हैं तो आप कम ज़्यादा इसे कर लीजिए। अब फ्रेंड्स, डाल लेंगे 2 चम्मच जितना गरम मसाला पाउडर। मेरे चम्मच छोटे हैं फ्रेंड्स, अगर आपके थोड़े से बड़े हैं तो आप 1 ही चम्मच डालिएगा। यहाँ पर मैंने डाल दिया है 2 चम्मच जितना गरम मसाला। सभी मसालों को अच्छे से हिलाएंगे। अच्छे से भून लेंगे जब तक ये मसाले अच्छे से तेल नहीं छोड़ देते। और एक ज़रूरी बात फ्रेंड्स, इसमें हम डाल देंगे नमक। तो मसालों में नमक डालने से मसालों की टेस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा नमक और अब इसे भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, प्याज और टमाटर अच्छे से पक गए हैं, ऑयल भी इन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया। तो अब हम इसमें डाल लेंगे हमारे धोकर रखे हुए मटकी और आलू। इन्हें मैंने 2-3 पानी से अच्छे से धो लिया है फ्रेंड्स, तो आप भी इसे अच्छे से धो लें, मसालों में मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा जितना भी आप चाहें। तो यहाँ मैं अभी फ़िलहाल थोड़ा ही पानी डाल रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 कप पानी डाल लिया है। अब इसमें डाल लेंगे फ्रेंड्स नमक। तो पहले भी हमने नमक डाला था, तो अब मैं बिल्कुल थोड़ा नमक डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। अब जब तक सब्ज़ी में उबाल नहीं आ जाता तब तक हम गैस की फ्लेम को फुल रखेंगे और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे ढककर पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब सब्ज़ी में उबाल आ गया है, अब हम इसे ढककर पकाएंगे और फ्लेम को रखेंगे मीडियम। और बीच बीच में फ्रेंड्स, आप इसे 1 से 2 बार चलाकर ज़रूर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, 3-4 मिनट हो गए हैं, एक बार सब्ज़ी को खोल देंगे तो आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी में अच्छा सा कलर आया है। हम इसे थोड़ा सा टर्न करेंगे। सब्ज़ी अभी थोड़ी सी पकनी बाकी है,
तो एक मिनट के लिए हम 1 से 2 मिनट के लिए इसे वापस ढक देंगे। तो फ्रेंड्स, अब सब्ज़ी अच्छे से पक गई है, इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया टोटली ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आपके पास हो तो आप डालिएगा, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत लाजवाब बनी है सब्ज़ी। अंकुरित दानों की सब्ज़ी अगर आप ऐसे खाएंगे बनाकर, ये तो हमेशा ही हेल्दी होती है। आपने देखा होगा बहुत बार अंकुरित दानों के, लोग कच्चे भी इसे खाते हैं, तो इसमें बहुत मात्रा में प्रोटीन्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, अब इसे सर्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कि इसे कलर भी अच्छा आया है, स्ट्रक्चर भी अच्छा है, और हम इसे अब थोड़े से हरे धनिए के साथ सर्व कर देंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब, और चैनल थोड़ा सा नया है तो आप मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा देखने के लिए और मुझे थोड़ा सा आपका इम्पॉर्टेंट टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।